दुखी दिलों का सलाह ले लो। तमाम दुनिया के हम सताए खड़े हुए हैं, सलाह ले लो, खड़े हुए हैं, सलाम ले। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के करम, फजल और शुक्र के साथ आज हम पहला ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, और पहले ब्लॉग में हम एक ऐसी दरगाह के जा रहे हैं जो जंगल में है, और हम अपने ब्लॉग में आपको सूफ़ी दरगाह, सूफ़ी शराइन और हिस्ट्री के चीज़ें दिखाएंगे, और हर जगह हम इंशाल्लाह जाने की कोशिश करेंगे, और इंडिया का जो कल्चर है वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये पहला ब्लॉग है और आप इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला असर की नमाज़ अदा कर रहा है, और देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है फ्रेम में, नमाज़ पढ़ रहा है ये, और माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। जोहेब, इस नज़ारे के बारे में क्या कहोगे आप, इतना खूबसूरत आपने ये जगह दिखाई। बहुत ही बेहतरीन, मतलब यहाँ पे आके एकदम पीसफुल हो जाता है माइंड। ठीक है, अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि गाड़ी जो है हल्के हल्के, नहीं गाड़ी जो है ज़्यादा आगे ना ले जाएँ, और इच्छा से चल रहे हैं, इतना लंबा सफ़र हो गया है तो कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ पे आने के बाद में आपको कैसा लग रहा है आप बताएं जरा। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत पीसफुल जगह है, आपने बहुत अच्छी जगह हमें दिखाई है। और आप ये कब से आते हैं यहाँ पे? मुझे लगभग 2-3 महीने हो गए यहाँ पे। 2-3 महीने रमजानों में तो आप अक्सर यहाँ पे आया करते थे। अच्छा, तो ये इधर कहाँ लेके जा रहे हैं आप? हम इधर आपको शेर का मुकाबला कर, अरे शेर का मुकाबला, यहाँ शेर भी आता है? ये इस जंगल के अंदर हाँ आपको शेर भी मिलेगा और हाथी भी है। अच्छा, अब आप बताइए आप चलेंगे हमारे साथ या नहीं? ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर चलेंगे। चलिए हाँ। और बताइए यहाँ के बारे में, सर्च भी करेंगे यहाँ पे शेर के पंजों के निशान, मुझे मालूम है किस तरीके से होते हैं। अच्छा, हमारे साथ पिछली बार एक जो है हाँ जंगजू आए थे हाँ। मतलब वो जो है जंगल में ही रहते हैं। अच्छा, तो उन्हें मालूम है कि किस तरीके से उसके निशान बनते हैं पैरों के जी। तो वो सर्च कर। ज़ुहेब, हम जो है आज से इंशाल्लाह अल्लाह के करम और फजल से यूट्यूब चैनल पे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ब्लॉगिंग को लेके क्या कहेंगे और किस तरीके से अपना ब्लॉगिंग करेंगे, तो जो पहला वीडियो है लोगों को बताइए। देखिए, इसमें हम जो है अपने ब्लॉग के अंदर अगर सूफिया ग्राम की तालीमात साथ में अगर ऐड ऑन कर देना ब्लॉग के अंदर, तो बहुत ही अच्छा ये एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जो कि अभी तक हो नहीं रहा है मेरे ख्याल से यूट्यूब के ऊपर। तो उसमें क्या होगा ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी उस लोगों को पता चलेगी, उनका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, उसके साथ में उनके टाइम में मतलब एक 4 चांद लग जाएंगे। अच्छा, जो वो ब्लॉग देखेंगे तो उनको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा, कुछ ऐसे अल्लामा इकबाल साहब के या फिर आला हज़रत साहब के कुछ ऐसे वो है ना हाँ, लोगों ने पढ़े नहीं है हाँ। असल में लोग स्टडी कम करते हैं, तो वो अगर उनको व्लॉग के थ्रू मालूम पड़ जाएंगे, उन तक पहुंचेंगे, तो एक मोहब्बत पैदा होगी उनके लिए, और एक उनकी तालीमात का जो है कुछ ना कुछ जखीरा हम लोगों के लिए पेश करेंगे, तो उनकी टाइम का बड़ा इम्पोर्टेंस हो जाएगा। वो अच्छी बात जो है आपने कही, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के जरिए हर शहर में जाएंगे, हर जो है सूफिया इकराम और हमारे जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं और जो सूफ़ी शराइन है, दरगाह है, मॉन्यूमेंट है, उन सबको दिखाने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये सफ़र जो है बहुत प्यारा होने वाला है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इस सफ़र में आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और इस चैनल को खूब सारा प्यार देंगे। तुम अब
दाम मियां जी आका तमाम अपने गुलाम ले लो, तुम अपने दाम मियां जी आका तमाम अपने गुलाम ले लो। नबी अकरम शफीए आज़म दुखी दिलों का सलाम ले लो। तमाम दुनिया के हम सताए खड़े हुए हैं सलाम ले लो, खड़े हुए हैं सलाम खूबसूरत पेड़ है यार। ओहो मजा आ गया, वाह क्या पेड़ है यार, ये किस मतलब चीज का पेड़ है? कुदरत देखो यार, माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत देखिए, क्या कांच की फली, क्या खूबसूरत। कांच की फली तो बहुत दिक्कत देती है मेरे भाई, इतना बड़ा थोड़ी होता है उसका पेड़ यार, बहुत बड़े होते हैं वो। छूके देखो, छूके देखो पहले तुम देखो, छूके खुजली। अरे भाई 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 बस 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 अरे भाई 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 ऐसी ये चींटी ने बनाया, ये तो छोटी थोड़ी 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 मिट्टी इकट्ठी करके बनाया हुआ है। अच्छा, ये ऐसा नहीं होता है, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई पेड़ के जड़ है या कुछ है, मगर ये ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटी छोटी जमीन से चींटियां निकल लेती है मिट्टी का घर है ये। ये तो कह रहे थे दीमक से बनाते हैं, जो है बोल रहे थे दीमक नहीं होते, चींटियों ने बनाया हुआ होता दीमक। अपने बिरादरी वालों को जानते भी हो तुम दीमक नहीं, चींटियों ने बनाया, चींटियों का घर है ये। और समझ सकते हो आपका फेवरेट कीड़ा ये ग्रीन कीड़ा, देखो ये कीड़ा बहुत ज्यादा है यहाँ पे बहुत। टीचर ने बताया था एलिफेंट होता है। एलिफेंट क्यों होता है? टीचर ने बताया था एलिफेंट होता है, तो एलिफेंट ही होता है वो। एलिफेंट तो क्या कहते हैं? ये सूरज है। अरे माशाल्लाह क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है सूरज का। सामने दरगाह है और हम दरगाह पे जा रहे हैं। ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दरगाह है और जंगल में जो है बनी हुई है, एकांत में है। और यहाँ पर आपको प्लेटें भी पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा है यहाँ पे लोग आते हैं, लंगर करवाते हैं और लंगर लोगों को खिदमत करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। ये खूबसूरत जगह जो है ये दरगाह है, बहुत पीसफुल एरिया है। वो पीछे दोनों दिखाई दे रहे हैं, जोहेब और शुएब, सामने नल पे पानी। और माशाल्लाह यहाँ पे एक साथ चार नल हैं, इतनी छोटी सी जगह में। हाँ अच्छा, जब उर्स होता है तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, चलाना जरा अपन। पानी पिला बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से। देखो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मीठा पानी है, ठंडा कितना है यार, मीठा भी है। ड्रिंक वाटर थिंक हुसैन, पानी पीजिए और हुसैन को याद कीजिए, हुसैन पाक को। ये जो है आज का ब्लॉग यही ख़त्म होता है, इंशाल्लाह अगला ब्लॉग लेके आएंगे और लगातार आपको जो है ब्लॉग दिखाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग आपके सामने लेकर आएँ और अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आएँ और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाएँ। और हमारा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और हमारे इस ब्लॉग में शुहेब ये भी मिलते रहेंगे, नज़र आते रहेंगे। और ये जुहेब, ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छी नाशी पढ़ते हैं और शुहेब अच्छी जो है सरकाज्म करते हैं। और ये हमारा वीडियो शूट कर रहे हैं, क्यों हमारा वीडियो शूट कर रहे हैं आप?
अभी आगे पता लगेगा।